आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड स्टे होम बी हेल्दी। बेटा टुडेज टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। इफ वी डू ए बिजनेस, हम कोई भी बेटा बिजनेस करते हैं तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिजनेस कौन स्टार्ट करता है बेटा? बिजनेसमैन। तो जो उसमें रुपए इन्वेस्ट करता है उसके प्रति कंपनी की क्या जिम्मेदारी है अपने ओनर के प्रति, कि भी बिजनेसमैन का रुपया सही प्रॉपर वे से इन्वेस्टमेंट करे, उसमें कोई फ्रॉड ना करे, उतना भी प्रॉफिट हो या वो पार्टनर में डिवाइड कर दे और बिजनेस से रिलेटेड फेयर पोजीशन उनको शो करे। लेकिन क्या बेटा बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ओनर के रिगार्ड ही होती है? बिजनेस से तो बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व या अटैच रहती हैं, टच में रहती हैं। जैसे कस्टमर हैं उसके, जो उसको माल सप्लाई करता है, सप्लायर है, गवर्नमेंट है, कंपिटिटर है उसके, पूरी सोसाइटी है, तो इनके प्रति भी उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। 50 ईयर बैक किसी भी कंपनी का मेन मोटिव क्या होता था बेटा? प्रॉफिट 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 कमाना, क्योंकि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन आज के दिन में बेटा ये धारणा, ये जो ट्रेंड है ख़त्म है। आज के दिन में बिजनेस का मेन मोटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, प्रॉफिट अर्न कमाने के साथ साथ। तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी उसके अटैचमेंट होते हैं उनके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, उनको सेटिस्फाई करना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता बिजनेस। एक बार इसको छोड़ो, हम मान लो हैं खुद हैं, हमारा क्या उद्देश्य है? क्या अपने अपने खुद का भला देखना? जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जो हमारे यहाँ पे काम वाड़ी आती है या कोई वर्कर आता है, हम सरकार के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? काम वाड़ी हमारे पे आती है तो उसका यहाँ पे ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करना चाहिए, टाइम पे सैलरी देनी चाहिए, अच्छा उसको रिवार्ड देना चाहिए, प्रमोशन के ऑप्शन। गवर्नमेंट के प्रति बेटा हमारी क्या जिम्मेदारी है? कोई टैक्स चोरी ना करें, जैसे गवर्नमेंट हमारी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है तो बिजली चोरी ना करें, टाइम पे बिल पे करें। सोसाइटी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो उनके प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो बेटा हमारा मेन खुद का निजी स्वार्थ ना, कि आसपास जहाँ पे रहते हैं उस सोसाइटी के डेवलपमेंट में, कोई स्कूल खोलने में, कोई कॉलेज खोलने में हम अपना कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करें। तो सेम बिजनेस सोसाइटी में रह के फैलता है तो सोसाइटी से वो प्रॉफिट कमाता है, तो उसकी प्रॉफिट कमाने के साथ साथ सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है और सोसाइटी को सेटिस्फाई करना बेटा बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो सपोज ग्रो एक अपनी मिंडा कंपनी है, मैंने एग्जांपल ले लिया मिंडा कंपनी है, ये है बेटा मिंडा का बिजनेस। लेकिन उनके जो ओनर हैं निर्मल मिंडा जी, अशोक मिंडा जी, ये उनके क्या बेटा? ओनर यानी कि बिजनेस मैन, जिन्होंने रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो इन्होंने कुछ रुपये कैपिटल के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। अब जो रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ओनर के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। तो इस कंपनी के मैनेजर हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बेटा? ओनर को टाइम पे उसकी कैपिटल का रिवार्ड देना, कंपनी में कोई फ्रॉड ना करना। हम कंपनी के मैनेजर हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा के मालिकों को देना, ठीक है। लेकिन क्या मिंडा कंपनी या हम कंपनी के मैनेजर तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ओनली बिजनेसमैन के यहाँ पे प्रति होती है बेटा? नहीं, ये पुरानी वहाँ पे परंपरा थी, पुरानी विचारधारा थी, ओल्ड ट्रेंड था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो और ओनर को दे दो। लेकिन बेटा कंपनी से बहुत सारी पार्टियाँ अटैच करते रहते हैं बेटा। कंपनी में जो कंपनी के चलाने के लिए वर्कर हैं वो क्या बोलते हैं? इम्प्लॉई। तो हमारी इम्प्लॉई के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, अच्छी सैलरी दें, अच्छी वर्किंग कंडीशन दें, प्रमोशन के चांस दें, सैलरी टाइम पे भरें, इन्वायरमेंट वहाँ का बेटर हो बेटा,
और सबसे बड़ी उनको वहाँ पे उनकी डिग्निटी को ठेस ना पहुँचाएं बेटा, ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें, आदमी को आदमी समझें। ऐसे ही कंपनी से और कौन अटैच है बेटा, आपके कस्टमर मिंडा कंपनीज को सामान गुड्स या सेल करती है तो उनका भी इनसे रिलेशन रहता है। तो कंपनी की क्या जिम्मेदारी है कस्टमर के प्रति, भाई कस्टमर को बेटर क्वालिटी की गुड्स दो बेटा, कंपनी के अच्छी क्वालिटी गुड्स और फेयर प्राइस पे दो, और कोई एक्स्ट्रा कोई डिस्काउंट वगैरह है तो वो भी उनको दो, और हाई प्राइस चार्ज ना करो। सप्लायर बेटा जो कंपनी को माल सप्लाई करते हैं, कच्चा सामान देते हैं, तो उसके प्रति भी कंपनी की क्या जिम्मेदारी है भाई, इन पार्टियों को भी सेटिस्फाई करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, सप्लायर के प्रति जिन्होंने माल सप्लाई किया है उसकी टाइम पे पेमेंट करें, जो उन्होंने माल दिया है उसकी टाइम पे पेमेंट करने की हमारी जिम्मेदारी है, कुछ डिस्काउंट ना लें, ठीक है। ऐसे ही बेटा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के प्रति हमारी कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के टैक्स चोरी ना करें, ठीक है बेटा। गवर्नमेंट के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हैं वो फॉलो करें बेटा, जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इन्वायरमेंट खराब ना करें। ऐसे ही बेटा जो कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी है जो सोसाइटी है, जिस कम्युनिटी में कंपनी खुली है तो उस कंपनी के उस सोसाइटी या कम्युनिटी या वहाँ पे समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, वहाँ पे समाज के लिए बेटर एजुकेशन की फैसिलिटी दे, अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी दे, या हो सके कोई धर्मशाला, कोई कॉलेज, कोई स्कूल खोल दे बेटा, वहाँ के कम्युनिटी के लोगों को इम्प्लॉयमेंट दे। तो बेटा कंपनी से केवल केवल ओनर या बिजनेसमैन अटैच नहीं होते, उनके प्रति कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अधिक प्रॉफिट दे, उनके रुपए का मिसयूज ना करे, कंपनी की जो भी बातें उनसे कोई छुपाए ना, टाइम पे सारी बातें मीटिंग करके बता दे, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस या इन्वेस्टर के प्रति। लेकिन बिजनेस से और डिफरेंट पार्टियां अटैच में रहती हैं बेटा, जैसे एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, गवर्नमेंट हैं एंड ए कम्युनिटी है। सो सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज पार्टी अलोंग विद ओनर इज कॉल्ड ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंपनी की इन सभी पार्टियों को ओनर के साथ साथ इनको भी खुश रखना, सेटिस्फाई करना, ये कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बेटा टूडेज टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, क्लास 11th, वीडियो नंबर 1। तो आज हम टॉपिक क्या करेंगे बेटा, कंपनी में अपने मालिकों के साथ साथ डिफरेंट पार्टी को सेटिस्फाई करना, दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। हम कहाँ पे बेटा, कंपनी के मैनेजर हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है ओनर के प्रति, हमारी जिम्मेदारी है सेटिस्फाई करना इम्प्लॉय को, कस्टमर को, सप्लायर को, गवर्नमेंट को और ए कम्युनिटी को, इसके साथ साथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को भी बेटा। वो कैसे बेटा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जो शांति के लिए हम अपना कुछ भी हो सके वो कॉन्ट्रीब्यूट करें, जब भी कोई इन अदर वर्ल्ड में कोई मिस हैपनिंग होती है तो जितना हो सके हम वहाँ पे कुछ अमाउंट डोनेट करें, तो ये भी हमारी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेटा आज हम टॉपिक क्या करेंगे बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज पार्टी अलोंग विद ओनर इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या बनता है, अपने मालिकों के साथ साथ बाकी पार्टियों को भी खुश रखना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे हम घर में है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमने अपने पेरेंट्स यानी अपने ओनर, अपने घर वालों को खुश रख के अपने परिवार में चाचा को, ताऊ को, अपने गांव वालों को, अपनी सरकार को, अपने जो काम करते हैं एम्प्लॉई को, जो हमारे यहाँ माल सप्लाई करते हैं उनको, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को भी खुश रखना, सेटिस्फाई करना। अब आप बताओ अगर हमारे व्यवहार से अगर हमारे पेरेंट्स ही खुश हैं, बाकी ना कोई परिवार खुश है, ना कोई रिलेटिव खुश है, ना हमारे कोई फ्रेंड्स खुश हैं, तो क्या हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं बेटा, नहीं कर रहे। अगर हम ऐसा बिहेव करें कि हमारे घर वालों के साथ साथ हम किसी का कहा ना मान कहा मानते रहें, तो हमारा सोसाइटी का परिवार है जो समाज है वो भी वहाँ से खुश होगा। किसी की बातों को हम इग्नोर ना करें, उनको आदर दें, सत्कार करें,
तो हमने अपने रिलेटिव को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने कम्युनिटी को भी अगर सेटिस्फाई किया तो हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं। तो व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई द वेरियस पार्टी अलोंग विद ओनर, दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। अब बेटा ऐसे अगर हम जिम्मेदारी निभाते रहेंगे तो किसी ने कहा भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने निभानी चाहिए, क्योंकि इससे बिजनेस को लॉन्ग टर्म में अधिक एडवांटेज होता है, उसकी रेपो बढ़ती है। लेकिन किसी ने कहा भी कंपनी का मेन टारगेट क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, क्योंकि कंपनी और बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि हम इसके बाहर की समाज की को खुश करने में लगे रहे तो हम अपना मेन टारगेट को भूल सकते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रेंड्स या दो विचारधारा आई, एक ने कहा भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए, मीन्स सोसाइटी के अदर पार्टी को भी हमने सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं भाई, अरे ऐसा करें तुम्हारा मेन मोटिव है, उससे हम आउट ऑफ लाइन हो जाएंगे बेटा। तो लेकिन आपने देखा है कि जो मिंडा कंपनी है, मिंडा कंपनी ने स्कूल कंपनी के साथ साथ मिंडा बालग्राम खोल रखा है दिल्ली में, MDMS स्कूल खोल रखा है बेटा सोसाइटी को एजुकेशन देने के लिए, मिंडा हॉस्पिटल खोल दिया मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए। इस प्रकार से जो मिंडा कंपनी है अपने ओनर को साथ साथ सोसाइटी के वेरियस सेक्शन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारी जो कंपनी है, जो मिंडा कंपनी है बेटा, वो इनडायरेक्ट वे से अपनी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती है। तो लेकिन ऐसा करने से उनके दो विचार आए, एक ने कहा ऐसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए, एक ने कहा नहीं करनी चाहिए। तो हम ये टॉपिक करते हैं, इसके फेवर में क्या क्या आइडिया, किसने कहा भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो उसने फर्स्ट लॉजिक दिया, बिजनेस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस है वो सोसाइटी का पार्ट है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि सोसाइटी को सेटिस्फाई करे। बिना सोसाइटी के वो अपने बिजनेस को ग्रोथ या सेटअप या स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि बेटा हम कंपनी सोसाइटी में रह के ही स्टार्ट हुई, वहीं पली पुली बड़ी हुई, ग्रोथ हुआ, तो हमारी जिम्मेदारी है उस सोसाइटी के प्रति, बिकॉज बिजनेस इज द पार्ट ऑफ ए सोसाइटी। सेकेंड वन बेटा, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, यदि हम सरकार के मान लो रूल को फॉलो नहीं करेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, एम्प्लॉय के टाइम पे सैलरी पे नहीं करेंगे, सप्लायर को टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट हमारे वहाँ पे इंटरफेयर ज़्यादा करेगी। लेकिन बिना गवर्नमेंट के इंटरफेयर किए हम ऑलरेडी सभी पार्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो क्या सरकार हमारे बिजनेस के कामों में इंटरफेयर करेगी बेटा? नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट के इंटरफेयर को कम करने के लिए भी हमने सोसाइटी को सेटिस्फाई रखना चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, वे सोशल यहाँ पे वेरियस पार्टी को सेटिस्फाई करना या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी क्यों जरूरी है। थर्ड वन बेटा, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट बिजनेस, जो सोसाइटी अगर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन, नाम है, गुडविल है, रेपो घटेगी या बढ़ेगी बेटा? बढ़ेगी। अगर उसके कस्टमर खुश हैं तो वो और चार कस्टमर को बताएगा तो उसे सेल बढ़ेगी, कस्टमर बढ़ेंगे, तो इससे कंपनी का लॉन्ग फ्यूचर में अधिक फायदा होता है। तो इसलिए हमने सोसाइटी के वेरियस पार्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि हम भी सोसाइटी के पार्ट हैं। सरकार अपने रूल हमारे अंदर इंटरफेयर ना करे तो पहले ही सरकार के रूल फॉलो कर लो इंटरफेयर से बचने के लिए। अगर हम सारे सोसाइटी को सेटिस्फाई करते हैं तो मार्केट में हमारी रेपो बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो लॉन्ग टाइम में हम अधिक फायदा कमा सकते हैं। लेकिन सेकंड आइडिया क्या था बेटा, जो इस आइडिया के अगेंस्ट था, उसने कहा भाई हमने सोसाइटी कुछ भी हो हमने तो प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना, तो उसने क्या क्या लॉजिक दिया बेटा। फर्स्ट उसने लॉजिक क्या दिया बेटा, कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, उसने एग्जांपल दे रखा है, जैसे कोई प्लेयर है बेटा, उसका ग्राउंड में क्या मेन मकसद होता है बेटा, वहाँ पे विक्ट्री प्राप्त करना बेटा, यानी विजय प्राप्त करना बेटा, चाहे वहाँ पे विरोधी पार्टी कुछ भी हो। लेकिन अब इसी प्रकार कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, लेकिन हम प्रॉफिट से हटके और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे तो हम मेन टारगेट को भूल जाएंगे।
लेकिन क्या होता अगर एक प्लेयर है उसका मेन ग्राउंड में ऑब्जेक्टिव है प्रो वहाँ पे जीत हासिल करना, और बाई चांस दूसरी टीम का कोई खिलाड़ी अगर वहाँ पे फिर चोटिल होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, कोई डैमेज होता है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती बेटा कि उसको उठाएं? बढ़ती होगी अगर हमने उसको सारा गेम छोड़ के उसको उठाया सहारा दिया तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, लेकिन हम यूँ सोचते हैं भैया कुछ हो हमें तो रन बनाने हैं, जीतना ही जीतना है, तो हमारा टारगेट सही नहीं। सेकंड क्या बेटा, इन एब्सेंसी इन द सिस्टम। इसने कहा अगर मैनेजर अपना ध्यान जो कंपनी का मैनेजर इनको सेटिस्फाई करने में लगा रहा तो उसकी काम करने की कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यू, इससे बिजनेस की वैल्यू पे भी असर पड़ता है। कैसे बेटा, शुरू शुरू में हम सोसाइटी के लोगों के लिए भला करते हैं तो वो सभी को अच्छा लगेगा, लेकिन हम ऐसे ऐसे करते गए तो जेलसी होती है तो उससे सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। इसने लॉजिक दिया बेटा, लेकिन ओवरऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे तो अगेंस्ट पॉइंट कम है और फेयर में पॉइंट ज़्यादा है, तो इसलिए हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस ने पूरी फुलफिल करनी चाहिए बेटा। तो आज का टॉपिक क्या था बेटा, सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज पार्टी अलोंग विद ओनर इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की ओनर को सेटिस्फेक्शन करने के साथ साथ अदर पार्टी को भी सेटिस्फाई करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और इसके फेयर में क्यों बेटा, उसने क्या क्या लॉजिक दिए, सोसाइटी एक बिजनेस कहाँ पे, सोसाइटी भी कंपनी या बिजनेस एक सोसाइटी का पार्ट होता है इसलिए करना चाहिए बेटा। हमने गवर्नमेंट के वहाँ पे रेगुलेशन में इंटरफेयर ना हो उसको अवॉइड करने के लिए भी यहाँ पे हमने सरकार के रूल फॉलो करने चाहिए, और लॉन्ग टर्म हमने कंपनी की रेपो कमा के प्रॉफिट कमाना है तो इनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। नेक्स्ट इसके जो अगेंस्ट में क्या कहा भाई, क्योंकि इसने कहा भाई बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना, अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव को ध्यान से हटा देंगे, प्रॉफिट कमाना जो मेन टारगेट है उसको भूल जाएंगे। इससे कहा कि ऐसे करते रहे तो बिजनेस या कंपनी की एफिशिएंसी पे असर पड़ता है, सो माइंड डाइवर्ट होता है। थर्ड क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यू, अगर लगातार लगातार हम ऐसा करते रहे तो उसके बिजनेस की वैल्यू पे नेगेटिव असर पड़ता है। इसके बाद अभी हम टॉपिक करेंगे बेटा बुक से, तो हमारी कंपनी की या बिजनेस की एम्प्लॉयज़ के प्रति, कस्टमर के प्रति, सप्लायर के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति और कम्युनिटी के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अब नॉर्मली देखो बेटा, अगर आप खुद सोचो तो हमारे यहाँ पे कोई लड़का काम करता है, घर पे कोई काम आता है तो हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसको आदमी को आदमी समझे, यानी उसकी डिग्निटी को ठेस ना पहुँचाएँ, उसकी जो टाइम पे सैलरी पे करें, अच्छी सैलरी दें, प्रमोशन के चांस दें, जहाँ पे काम करता है उसको बेटर इन्वायरमेंट दें, अच्छी वर्किंग कंडीशन दें। ऐसे ही मान लो जो हमारे कस्टमर हैं तो कस्टमर के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी, हमने दुकान खोल ली, कोई कंपनी खोल लिया, हमने स्कूल खोल लिया, तो हमारी कस्टमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको बेटर क्वालिटी की एजुकेशन दें, प्राइस कम से कम लें, जितनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो सके बेटा वो उसको प्रोवाइड करें, आफ्टर सेल सर्विस दें बेटा। और सप्लायर के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे को कच्चा माल सप्लाई करते हैं उनको टाइम पे पेमेंट करें बेटा, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, गवर्नमेंट के रूल फॉलो करें, गवर्नमेंट के टैक्स चोरी ना करें, इलेक्ट्रिसिटी चोरी ना करें बेटा। ऐसे ही कम्युनिटी के प्रति हमारी कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो उसके डोनेशन या चैरिटी या कोई दान दें बेटा, कोई स्कूल खुलवा दें, कॉलेज खुलवा दें, तो इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की कम्युनिटी के प्रति होती है। और लास्ट क्या बेटा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के प्रति, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है बेटा उसके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में पीस या शांति बनाए रखने के लिए हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें, अदर रेस्ट में कोई मिस हैपनिंग होती है तो वहाँ पे हम कोई चैरिटी या कोई डोनेशन करें, और इंटरनेशनल लेवल के रूल हम फॉलो करें। तो बेटा ये अपने नेक्स्ट टॉपिक है, वहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड एम्प्लॉइज, टुवार्ड कस्टमर, टुवार्ड सप्लायर, टुवार्ड गवर्नमेंट और कम्युनिटी के प्रति और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के प्रति, इसको आप अपने माइंड से सोच के लिखोगे कि जो हमारे यहाँ पे वर्कर है तो उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है,
मजदूर को मजदूर ना समझें, अच्छी सैलरी दें, टाइम पे पेमेंट करें, प्रमोशन के चांस दें, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा फैसिलिटी दें बेटा, पेमेंट इन काइंड रहे, जैसे रहना है, खाना पीना फ्री है, प्रमोशन के चांस दें, जहाँ काम करे उसको अच्छा वातावरण दें। ऐसे ही बेटा कस्टमर के प्रति क्या जिम्मेदारी है, कस्टमर को बेटर क्वालिटी के गुड्स फेयर प्राइस पे और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी गुड्स दें बेटा, कोई यहाँ पे आउटडेटेड गुड्स उसको ना दें, और कोई ऑफर है तो ऑफर उससे हम ना छुपाएं। ऐसे ही बेटा सप्लायर के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, कम्युनिटी के प्रति या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है, ये आप खुद सोच के भी पॉइंट बना सकते हो। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या था बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसका मीनिंग क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज पार्टी अलोंग विद ओनर इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फुलफिल ओब्लिगेशन टुवार्ड सोसाइटी बाय ए बिजनेस इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा बिजनेस के द्वारा समाज के अन्य जितने भी पार्टी उनको सेटिस्फाई करना है, उनके प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी को निभाना बेटा, इसने किसी ने कहा कि ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए क्योंकि हम भी सोसाइटी के पार्ट हैं, उसमें रह के हमने स्टार्ट किया है, उसी में रहकर पले बढ़े हैं बेटा, इसलिए गवर्नमेंट के इंटरफेस से बचने के लिए भी हमने उसके पर इनके प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए, और इन फ्यूचर में अगर रेपुटेशन बनानी है तो बेटा। लेकिन किसी ने इसको कहा भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमारा मेन काम क्या बेटा, प्रॉफिट कमाना, बिकॉज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन फिर भी इसके अलावा ये पॉइंट बेटर है तो बिजनेस ने ओनर के साथ साथ बाकी पार्टी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इनको सेटिस्फाई कैसे करें बेटा, तो वो उनके प्रति हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बुक में गिवन है, लेकिन एक एक पॉइंट आप रीड करो तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो लेकिन इसमें सारे पॉइंट आप खुद के बुक के आप अपने पॉइंट लिखोगे तो बेटा वो भी आपको समझ में आएगा कि कर सरकार के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट के रूल फॉलो करें, गवर्नमेंट के साथ जो भी रूल्स बनाए वो हम फॉलो करें, इसके अलावा कोई टैक्स वगैरह चोरी ना करें। ऐसे ही हमारी ओनर या जो कंपनी में रुपया इन्वेस्ट करता है उसके प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें जो रुपया लगाया उसका मिसयूज ना करें, उनके साथ फ्रॉड ना करें, उनको टाइम पे प्रॉफिट डिवाइड करें यानी कि डिविडेंड दे दें, कंपनी की समय समय पर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वो मीटिंग करके उनको बताएं। तो बेटा टुडेज टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑफ टुवार्ड ओनर या इन्वेस्टर या बिजनेसमैन टुवार्ड एम्प्लॉई कस्टमर सप्लायर गवर्नमेंट कम्युनिटी एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो बेटा टुडेज टॉपिक इज ओवर, थैंक यू बेटा।